हेलो गाइस, जस्ट फाइनली शाओमी कर दिया अपना रेडमी नोट सीरीज़ का नया स्मार्ट प्रो लॉन्च, जो कि रेडमी नोट 9 प्रो। गाइस अभी हाल ही में होनर ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जो कि था होनर 9X। सो गाइस, अगर आपको नया स्मार्टफोन लेना है बट आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है कौन सा स्मार्टफोन बेटर है, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम रेडमी नोट 9 प्रो और होनर 9X इन दोनों स्मार्टफोन के बीच कंपेरिजन करेंगे और देखेंगे इन दोनों में से बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है और कौन बेस्ट फीचर्स प्रोवाइड करा रहा है। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं डेली बेसिस पर अकेले से वीडियो चलाता रहता हूं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो हेलो गाइस, मैं हूं अजय वाटर टेक्निक वाटर चैनल का स्वागत है। सो गाइस, शुरुआत करें डिस्प्ले से। तो गाइस रेडमी नोट 9 प्रो में आपको मिलता है 6.67 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, जबकि बात करें होनर 9X की तो गाइस में आपको मिलती है 6.59 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले। और इसी के साथ बात करें प्रोसेसर की, तो गाइस रेडमी नोट 9 प्रो में आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G, जो कि अभी हाल ही में स्नैपड्रैगन ने लॉन्च किया था। और बात करें होनर 9X की, तो गाइस इसमें आपको होनर का मिलता है क्रीन 410F। तो गाइस प्रोसेसर के मामले में गाइस रेडमी नोट 9 प्रो का जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 720G, जो गाइस होनर 9X के कंपेरिजन में आ गया है बेस्ट है। और बात करें कैमराज की, तो गाइस रेडमी नोट 9 प्रो में आपको फ्रंट में थोड़ा फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है और बैक साइड में आपको गाइस 48 MP +8 +5 +2 टोटल 4 कैमराज आपको बैक साइड में रियर कैमरा सेटअप में देखने को मिलते हैं। बात करें होनर 9X की, तो गाइस में आपको फ्रंट में 16 फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है और बैक साइड में 3 कैमराज देखने को मिलते हैं, 48 MP +8 +2 टोटल 3 कैमराज आपको बैक साइड में देखने को मिलते हैं। तो गाइस कैमराज के मामले में लगभग रेडमी नोट 9 प्रो आ गया है। और इसी के साथ बात करें स्टोरेज की, तो गाइस रेडमी नोट 9 प्रो में आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, और जो दूसरा वेरिएंट मिलता है वो मिलता है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। और बात करें होनर 9X की, तो गाइस इसमें भी आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, जो दूसरा वेरिएंट होता है मिलता है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। तो गाइस स्टोरेज के मामले लगभग आपको दोनों ही सेम ही है। बात करें बैटरी की, तो गाइस रेडमी नोट 9 प्रो में आपको 5020mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में, जबकि बात करें होनर 9X की, तो गाइस आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, वो भी 10W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। सो गाइस बैटरी लाइफ के मामले में और चार्जिंग सपोर्ट के मामले में गाइस रेडमी नोट 9 प्रो आगे है। और फाइनली बात करें प्राइस की, तो गाइस रेडमी नोट 9 प्रो में जो आपको 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला जो वेरिएंट मिलता है वो मिलता है 15,999 रुपये, और होनर 9X में यही वेरिएंट आपको 16,999 रुपये में मिलता है। तो गाइस फीचर्स के मामले में रेडमी नोट 9 प्रो आगे होनर 9X की कंपेरिजन में, और प्राइस भी इसकी कम है। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग रेडमी नोट 9 प्रो बेस्ट है। तो गाइस आपके अकॉर्डिंग दोनों से बेस्ट फोन कौन सा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। और गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं डेली बेसिस पर अगले से वीडियो चलाता रहता हूं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।